Hello everyone, welcome to Angan Public School online teaching classes. Today's lecture is computer revision CW and date mention करेंगे. CW 9/10/2021. हेडिंग लगा दो स्टूडेंट्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग लगाना है यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास WHIT what? IS is a COMPUTER computer. COMPUTER computer is a machine. What is a computer? COMPUTER computer. IS is a machine. MACHINE machine. Computer is a machine. Write the parts of computer. WRITE write THE the PARTS parts of the computer. Write the parts of the computer. Computer. Write the parts of the computer. Monitor, CPU and keyboard, mouse and printer. WRITE write THE the parts. PARTS parts of the computer. Monitor, CPU and keyboard. MONITOR monitor, CPU, KEYBOARD keyboard, MOUSE mouse, PRINTER printer, monitor, CPU, keyboard, mouse and printer. Third number पे है right uses of keyboard. Write the uses of keyboard. WRITE write USE use of KEYBOARD keyboard. Keyboard is used to write. फोर्थ नंबर पे है WHIT what IS is THE the brain of computer. What is the brain of computer? आंसर आएगा हमारा CPU. फिफ्थ नंबर पे है which part of computer look like a TV screen? Which part? WHICH which part? Which PART part? Computer COMPUTER computer. Which part of computer LOOK look like a TV screen? Which part of computer look like a TV screen? कौन सा पार्ट ऐसा है कंप्यूटर का जो TV जैसा होता है? तो वो है हमारा मॉनिटर. MONITOR monitor. Which part of computer has a many keys on it? तो which part of computer? कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो बहुत सारी कीज होती है? तो क्या है? कीबोर्ड. KEYBOARD नेक्स्ट है. सेवन्थ नंबर पे है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर हैज़ अ टू और थ्री बटन्स ऑन इट. कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें टू और थ्री बटन्स होते हैं? तो विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर हैज़ अ टू और थ्री बटन्स ऑन इट. तो ऐसा कौन सा पार्ट है? तो है MOUSE माउस. एट्थ नंबर पे है विच की यूज टू लीव अ स्पेस. WHICH विच KEY की यूज टू लीव अ स्पेस. कौन सी की होती है जिससे हम जगह छोड़ सकते हैं जबकि मॉनिटर के अंदर हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं? तो वो होती है हमारी स्पेस बार. कौन सी? स्पेस बार. क्वेश्चन नंबर टू लिखेंगे रीड द सेंटेंस एंड द सर्कल द करेक्ट वर्ड. करेक्ट वर्ड पे हमें क्या करना है? यहाँ पे सर्कल करना है. द कीबोर्ड. द कीबोर्ड THE द KEYBOARD कीबोर्ड. पब्लिक स्पीकर्स SPEAKER स्पीकर्स ARER USED used. TO2 LISTEN listen. TO2 MUSIC music. The keyboard and speakers are used to listen to music. Keyboard speakers में से कौन सा keyboard और speaker में से कौन सा ऐसा है जिसमें से हम music सुनते हैं? तो keyboard आएगा कि speaker? तो answer हमारा है speaker. Speaker का spelling है SPEAKER speakers. The keyboard and speaker are used to listen to music. The answer right है. Speakers पे हमें बनाना है circle. A fish and pan is a man. A fish pan is a man-made thing. क्या है? A fish or pan. A fish. F-I-S-H fish. P-E-N pan. I-S is a M-A-N man. M-A-D-E-N-A-D-E-N-A-D-E-N. T-H-I-E-N-G-S. A fish or pan. इसमें से कौन से ऐसी है जो man-made thing है यानी इंसान ने बनाया है? तो आंसर क्या आएगा? Fish or pan में से तो P-E-N. थर्ड नंबर पे है द माउस. THE द MOUSE माउस. THE द MOUSE माउस. KEYBOARD कीबोर्ड. ISEUSED यूज्ड. TO2 WRITE राइट. द माउस कीबोर्ड इज यूज्ड टू राइट. द माउस एंड कीबोर्ड इज यूज्ड टू राइट.
माउस एंड कीबोर्ड में से कौन सा है जो राइट करता है, मतलब जिसमें हम लिख सकते हैं, जिससे टाइपिंग करने के बाद वो मॉनिटर पे आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है, तो पार्ट है कीबोर्ड। द माउस एंड कीबोर्ड इज़ यूज टू राइट। द माउस कीबोर्ड दो ऑप्शन है हमारे पास, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा हमारा, कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज यूज टू राइट। फोर्थ नंबर पे है अ डैश अ बुक अ कंप्यूटर CUMPUER कंप्यूटर बुक। BOOK बुक इज ए मशीन। अ कंप्यूटर अ बुक इज ए मशीन। तो इसमें से कौन सी मशीन है, कंप्यूटर मशीन है कि बुक मशीन है, तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा, कंप्यूटर CUMPUTER कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज ए मशीन। अ कंप्यूटर इज ए मशीन। अ कंप्यूटर इज ए मशीन। तो किस पे राइट आंसर पे हमें करना है, सर्च फॉर कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे हम फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे द मॉनिटर। द THE द MONITOR मॉनिटर CPU LOOKS लुक्स like like the monitor and CPU looks like a TV screen. Monitor CPU look like a TV screen. कौन सी पार्ट ऐसा है जो TV जैसा दिखता है, तो मॉनिटर या CPU का आंसर राइट आएगा MONITOR मॉनिटर। A monitor looks like a TV screen. The enter key THE ENTER KEY द एंटर की स्पेस बार यूज टू रीड। द एंटर की स्पेस बार यूज टू लीड, तो यानी जगह छोड़ने के लिए कौन से वाली की का यूज होता है। कौन सी की का यूज करते हैं हम लीव करने के लिए स्पेस, तो आंसर क्या आएगा, स्पेस बार SPACEBAR स्पेस। एंड लास्ट वन है यहाँ पे, द प्रिंटर मॉनिटर प्रिंट्स ऑन अ पेपर। कौन सी प्रिंटर या मॉनिटर में से कौन सा ऐसा है जो पेपर के अंदर प्रिंट करता है। जो भी हमारे मॉनिटर पे होता है, जो भी हमारे मॉनिटर पे होता है वो पेपर पे कैसे प्रिंट होके आता है, तो इसमें से कौन सा आएगा प्रिंटर और मॉनिटर में से, तो राइट आंसर इज प्रिंटर। PRINTER के प्रिंटर पे करेंगे हम सॉल्व। ओके एवरीवन, तो आज का फिनिश होता है हमारा MCQ का और क्वेश्चन आंसर का रिवीजन। और एक बात आपको फटाक से छोटा सा रिवाइज करा रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारे पिक्चर्स के नेम आपको लर्न करने हैं, मॉनिटर CPU माउस कीबोर्ड एंड स्पीकर्स। उसके बाद है ये नेचुरल थिंग्स, जितने भी नेचुरल थिंग्स है ये आपको सारे लर्न करने हैं। उसके बाद ये मैनमेड थिंग्स, ये भी सारे आपको लर्न करने, जितने भी स्पेलिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब आपको लर्न करने हैं। इसमें से कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई भी एक्सरसाइज आ सकती है। एरोप्लेन स्टार्स बुक्स टेलीफोन, इसमें से कौन से मैनमेड थिंग है, कौन से नेचुरल थिंग्स है, इनके सारे के स्पेलिंग आपको करने हैं लर्न। एंड मेन पॉइंट इज, सबसे पहले ये आप देख रहे हो सेकंड चैप्टर का है मॉनिटर CPU कीबोर्ड माउस प्रिंटर एंड स्पीकर्स। इसके सबके स्पेलिंग आपको लर्न करने हैं और ये कहाँ में यूज़ आता है ये आपको कंपलसरी पता होना चाहिए। मैंने सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो इसी के अंदर से आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग सब कुछ आएगा। ओके, तो बी केयरफुली, अच्छे से लर्न करना है। जितना भी सिलेबस हमारे चैप्टर नंबर 2 तक का है वो सारा मैंने रिवाइज करा दिया है, 2-3 बार करवा चुकी हूँ और आज भी रिवीजन लास्ट दिखवा दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।